أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بسم الله الرحمن الرحيم تو الحمد لله ما أبسبك 37 استقبال کرتی ہوں اور यहाँ पर हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने सुर मरियम पढ़ लिया है तो अभी आज आप लोगों के लिए जो सरप्राइज मैंने बताया था वो सरप्राइज ये है कि हम लोग सूर्य मरियम के बाद जो सूरा है सुरह तोहा हम लोग वो नहीं करेंगे बल्कि आप लोगों के लिए आज स्पेशल सूरा है और वो है सूर्य नूर तो हम लोग इनशाला बीच के जो सूरे है वो स्किप करेंगे और पहले सूर्य नूर कर लेते हैं और सूर्य नूर कर लेने के बाद फिर हम लोग इनशाला जब जो वक्त है उसके बाद फिर हम दूसरे सुरों की तरफ बढ़ेंगे तो यही था आप लोगों का सरप्राइज छुट्टी है समझे क्या वरना फिर आप लोग आज तो चलिए अः तो होपफुली ये बात सुनकर आप लोगों को खुशी हुई और ये जो सुरे नूर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूरा है खास तौर पर हर एक लेडीज को ये सूरा मालूम होना चाहिए हमारे बड़े बच्चे बूढ़े घर में जितने लोग हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट अल्लाह ताला की तरफ से माशरती तालीमत अल्लाह ताला ने दी है तो चलिए सुरे नूर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले उसका बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे तो आ, स, अभी हम लोग का जो तरतीब चल रही थी कहाँ पर से सूर तोबा जब ख़त्म हुआ तो यूनुस और हूद से जो तरतीब हम लोग की चल रही थी मुसलसिल फोर्टीन सूरज थे जो मक्की सूरे थे मुसलसिल चौदह मक्की सूरते सूरते थी और सूरतें थी और उसके अंदर हज, आ, हज के बारे में अख्तलाफ आता है कि वो मक्की है या मदनी है तो खैर आया उसको मक्की में कंसिडर करेंगे और अब उसके बाद ये जो मुसलसिल जो सीरीज चल रही थी मक्की सूरतों की अब यहाँ पर सूर्य नूर जो सूरा नंबर ट्वेंटी फोर है एटीन पारे में यहाँ पर उसकी तरतीब जो है ब्रेक होती है और यहाँ पर ये एक मदनी सूरत आती है फिर उसके बाद फिर से मक्की सूरत की जो ला, लाइन है वो फिर से स्टार्ट होती है फिर से मक्की सूरते आएंगी और एट मुसलसिल मक्की सूरते आने के बाद फिर सूर्य एहजाब आता है जो इसकी जोड़ी है यानी कि सूर्य नूर की जोड़ी क्या है सूर्य एहजाब है और आ, हम देखेंगे कि दोनों के मजमून में काफी मुमासलत है काफी सिमिलारिटीज है और दोनों में भी माशरती अहकाम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, दिया गया है और आ, जो है ये मक्की सूरते होने के बाद फिर बीच में जो है मदनी एक सूरत आएगी सुरह एजाब ठीक है तो इसकी जोड़ी सुरह एजाब है सूर नूर की जोड़ी सुरह एजाब है सूर एजाब पहले नाजिल हुई है और सूरह नूर बाद में नाजिल हुई ठीक है अब यहाँ पर तरतीब में क्या है सुर नूर पहले है उसके बाद एजाब है राइट पर जमाने के से पहली सूरत है उसके अंदर जो अहकाम है उससे और एडवांस एहकाम सुरह नूर में हम लोगों को मिलेंगे ठीक है अब सुर एजाब कब नाजिल हुआ सुरह एजाब जो है जंग एजाब के बाद नाजिल होने वाली सूरत है जंग एजाब का जो कॉमनली नेम जो हमारे पास मशहूर है वो कौन सा है जंग खंदक ठीक है तो जंग खंदक जो पांच हिजरी में जो पेश आई उसके बाद पांच हिजरी के बाद ये सुर एज़ाब नाजिल हुई और उसके बाद बनु मुस्तलिख की और एक जो है गजवा है गजवा बनु मुस्तलिक जो तकरीबन रिवायत में आता है कि पांच या छह के दरमियान जो है ये जंग पेश आई तो ये सूरत जंगे मुस्त जंग बनो मुस्तल या फिर गजब बनो मुस्तल के बाद नाजिल होने वाली सूरत है यानी कि अराउंड सिक्स हिजरी ठीक है सुर एजाब कब हुई अराउंड फाइव हिजरी और सुर नूर कब हुई अराउंड सिक्स हिजरी सुलह उदेबिया से पहले पर अभी सुलह उदेबिया भी सिक्स हिजरी में थी आ, सिक्स हिजरी में ही देखे हम लोग कहाँ पर पढ़े थे सुरह जो है तोबा में पड़े थे तो सुलहुदेबिया से पहले ये नाजिल हुई ठीक है तो ये ज़माने नजुल समझ में आ गया आप लोगों को ठीक है अब उसके बाद ये जो सूर नूर है ये नूर इसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि आयत नंबर थर्टी फाइव में अल्लाह ताला के नूर का जिक्र है जिसको आयत नूर कहते हैं तो उसके जिक्र की वजह से ये सूर्य की पहचान अलामती तौर पे नूर रख दी गई है ठीक है अब इसकी जोड़ी तो हम लोग देख लिए थे कि इसकी जोड़ी क्या है आ, सूरे, आ, सूरे, आ, जो है आ, एहजाब है ओके जो हम आगे इनशाला देखेंगे अच्छा अब इसमें देखिए कि गजब बनु मुस्तलिक के बारे में अच्छा मैं उसका बैकग्राउंड अभी डिटेल्स में बताती हूँ पहले उससे पहले ये देखेंगे कि ये सूर्य में है क्या ठीक है तो पहले जैसा मैं अभी बताई कि ये सूर्य में ऑन होल पूरा माशरती माशरतीहकाम है माशरती माशरतीहकाम यानी कि किस तरीके से एक मुसलमान माशरा एक मुसलमान सोसाइटी जो है किस तरीके से होना चाहिए तो वो मुसलमान सोसाइटी कैसी होना है उसके गाइडलाइंस यहाँ पर दिए गए हैं तो शुरू में हम अहकाम देखेंगे फिर अल्लाह तला के नूर की यहाँ पर जिक्र है फिर कुछ जो है मुनाफिखीन का जिक्र है फिर वापस से फिर घरेलू और माशरती अहकाम इसके अंदर दिए गए हैं तो बहुत ज्यादा इसके अंदर माशरती और घरेलू अहकाम Uh, हमको इनशाला इसके अंदर मिलेंगे अब यहाँ पर इस इसी के अंदर आ, जो आ, आ, हमारी जो पर्दे की जो आयत है वो इसी के अंदर है यानी कि जो हम पर्दा करते हैं जो पर्दे का जो अहकाम हम जिसके ऊपर अमल करते हैं वो इसी सूरत में मिलता है तो इसके अंदर पर्दे के अहकामत है और फिर आ, जो है घर में किस तरीके से आ, रहना है फैमिली के कैसे रिलेशन होने चाहिए इजाजत लेना है सलाम के बारे में बताया गया है किसके घर में हम जा सकते किसके घर में नहीं जा सकते महरम हमारे लिए कौन है इससे पहले सुरन में आदमियों के लिए कौन कौन महरम ना महरम है उसमें बताया गया था अब यहाँ पर औरतों के लिए कौन महरम और ना महरम है इसके अंदर जो है ये बताई इसके अंदर जो है ये बताया जाएगा तो अब ये पूरे अहकाम हमारे इसके अंदर मिलते हैं अब इसमें एक जो है इम्पोर्टेंट बात वो ये है गौर करने की बात ये है कि ये जो अहकामात है ये कब नाजिल हो रहे अहकाम मक्के की दौर के तेरह साल हो गए फिर उसके बाद मदनी मदिन, मदनी दौर के भी छह साल हो गए छह साल के बाद ये अहकामा नाजिल हो रहे हैं। तो इससे क्या बात समझ में आती कि अल्लाह ताला तहकामत ये मक्की दौर में शुरू में नहीं दे दिए बल्कि मक्की दौर में पूरा अल्लाह ताला ईमान को डेवलप करे ईमान को बिल्ड करे जैसा इससे पहले भी हम लोग देखे थे ना कि बुनियाद मजबूत करे उसके बाद फिर ये डेकोरेशन की चीजें तो जब हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद फिर जब अल्लाह तला के जब अहकाम आएंगे तो उस वो अहकाम के ऊपर अमल करने के लिए इंसान को मुश्किल नहीं होगा इंसान बह खुशी और बरजामंदी के साथ वो अहकाम को ले लेगा और उसके बाद वो सवाल भी नहीं करेगा और उसको कोई चीज गलत भी नहीं दिखेगी हर चीज अल्लाह तला की हिकमत उसको समझ में आएगी हर चीज जो है समझ में आ जाएगी कि ये हमारे लिए बेहतर है हमारे लिए बेस्ट है इसके अंदर जरूर हिकमत है अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो भी जरूर इसके अंदर कोई छुपी हुई हिडन जो है अल्लाह तला की जो है भलाई हमारे लिए है दुनिया में नहीं तो नहीं आखिरत में तो कैसा भी भलाई है ये एहसास हमारे अंदर पैदा होता है और हम बड़ी खुशी से उसको ले लेते हैं ठीक है पर अगर हमारी बुनियाद अच्छी नहीं है अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं है तो फिर इंसान को क्या ख्याल आता है कि ये अल्लाह ताला के अहकाम ऐसे क्यों हैं? क्यों अल्लाह ताला ये बोले क्यों अल्लाह ताला वो बोले और खास तौर पे जैसा पर्दे के बारे में देखेंगे तो वो पर्दा इंसान को फिर समझ में नहीं आता और उसको ऐसा दिखता कि उसके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है उसके ऊपर मुसीबत की चट्टी पड़ी हुई है और फिर वो उसको नहीं पसंद करता या दिल में अपने तंगी महसूस करता या फिर जिस तरीके से उसको करना चाहिए वो नहीं करता क्यों क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है तो यहाँ पर कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले हम अपनी बुनियाद को मजबूत करें उसके बाद फिर अल्लाह ताला के तमाम अहकाम समझ में आ जाते उसके बाद जो है संसार की जो सजा है वो समझ में आ जाती कोड़ों की सजा अगर है तो समझ में आ जाती जितने भी हद अल्लाह तला ने इस्लाम में रखी सारी चीजें समझ में आती और कोई चीज के ऊपर तनखीद करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती सारी चीजें जो है इंसान को दिखता हाँ बिल्कुल सही यही परफेक्ट चीज थी इसके अलावा कोई और चीज हो ही नहीं सकती क्योंकि शुरू में अब हम देखेंगे कि जानी के जो है कोड़े मारने का जो अहकाम है या फिर जो है उनको पत्थरे मार 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 के जो है खत्म कर देने का अहकाम है तो दिखने में कितना खतरनाक जो है अहकाम नजर आता पर जब हम जो है ईमान अगर हमारा मजबूत है तो हम समझ में आ जाता कि इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है और फिर उसी तरीके से हमारी औलाद के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी पहले बुनियाद बनाएं हमारे पास ये होता है कि आ, एक सेकेंड तो आ, हमको अपनी औलाद के बारे में ये बा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहले उनकी बुनियाद को सही करें उनकी बुनियाद को स्ट्रांग करें उसके बाद जब हम उनको एहकाम देंगे जब हम उनको अहकाम बताएंगे और बताएंगे कि ये तुम्हारे लिए ये डूज है इस्लाम के और ये है तो वो लोग बुशी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम ये गलती करते हैं कि हम बच्चों को बचपन से उनकी बुनियाद को मजबूत नहीं करते कभी दीन नहीं बताते कभी अल्लाह की मोहब्बत नहीं बताते कभी आखिरत तस्वुर उनके अंदर पैदा नहीं करते रसूल हमारे अंदर क्या मायने रखती है हम वो कभी नहीं बताते उसके बाद जब बच्ची बारह तेरह साल की हो जाती है पंद्रह साल की हो जाती है तो फिर हम उसके ऊपर इम्पोज करना शुरू कर देते कि भाई तुम अब बड़े हो गए अब तुम्हारको दुपट्टा लेना है अब तुम बड़े हो गए तुम्हारे को जो है ऐसा, ऐसे कपड़े पहना या तुम आप बड़े हो गए तुमको अब बुरखा पहनना पड़ेगा तुमको हिजाब करना पड़ेगा तुमको नकाब करना पड़ेगा तो उसके बाद वो बच्ची को ऐसा लगता है कि मैं क्यों बड़ी हो गई मेरे ऊपर तो ये तो छछाड़ हो जा रही एक थी आजादी की जिंदगी और फिर जो है अब ये आजादी की जिंदगी जाकर ये मेरे ऊपर इतनी जबरदस्ती और मेरे को बुरखा पहनाया जा रहा तो फिर अब वो ये काम करती है कि वालदे की जबरदस्ती से बुरखा पहन तो लेती है पर बुरे की जो हकीकत है वो उसको समझ में नहीं आती उसकी क्या मकसद है वो फिर उसको जो है समझ में नहीं आता वो समझती है कि ये हमारी सोसाइटी का तरीका है सारे लोग करते हैं तो अब हम भी जो है बस हमको ये करना है चाहे खुशी से करो या नहीं करो तो फिर फिर अब वो मौके की तलाश में रहती कि कब ये मुसीबत उसके ऊपर से हट जाए तो अब यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से जब वो कॉलेज जाती है तो फिर वहां पर मौके ढूंढती है अपनी मनमानी करने के लिए या शादियों में अपनी मनमानी करती है या फिर बाज लोग तो ऐसे होते हैं कि बस निकाह की देर होती है शादी होते तमाम वो अपने वालदे के अपने अब्बू के अहकाम से वो बाहर निकल जाती है और निकल कर अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है क्यों क्योंकि वो इसके ऊपर अमल इसीलिए कर रही थी अहकाम के ऊपर अमल क्योंकि उसके अब्बू ने कहा था क्योंकि उसकी अम्मी ने कहा था वो अहकाम पर अमल इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये अल्लाह ताला का फरमान है ये अल्लाह ताला ने कहा है अल्लाह की मोहब्बत में रसूल की मोहब्बत में आखिरत की फिक्र में जन्नत की तलब में जहनम से अपने आप को बचाने के लिए वो ये नहीं करती है क्योंकि हमारी इसके अंदर गलती है वो मासूम बच्चों की गलती नहीं है क्योंकि हमने कभी उनके अंदर ये जो एहसास है वो कभी पैदा ही नहीं किया कि हम अल्लाह तला के गुलाम है अल्लाह के बंदे है ये दुनिया की जिंदगी हमारी आजमाइश के तौर पर अल्लाह तला ने रखी है और यहाँ हमारे आमाल के हिसाब से हमारे लिए हमेशा हमेशा की जन्नत है और एंजॉय करने की जगह आजादी की जगह और मनमानी करने की जगह मर्जी करने की जगह जन्नत है वो यहाँ नहीं है तो उसके बाद फिर ये सेंटेंसेस जो है अपने मुंह से नहीं निकल सकते कि मेरा जिसम है और मेरी मर्जी है मैं जो चाहे वो करूँ ठीक है तो यहाँ पर फिर ये बात का सवाल पैदा ही नहीं होता जैसा साहबा इक्राम को देखेंगे ठीक है अभी हम लोग सुरे नूर पढ़ रहे और सुरे नूर का हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं ठीक है तो अब यहाँ पर अब साहबा इकराम देखिए कि जब अहकाम नाजिल होते तो साहबा इक्राम क्योंकि उनके अंदर ईमान पुख्ता था तो ऐसा उसके ऊपर अमल करते कि यूं यूं हुक्म होता और यूँ उसके ऊपर अमल किया जाता हम्म जैसा फॉर एग्जाम्पल शराब का जब हुक्म हुआ तो शराब का जैसा हुक्म हुआ कि अब ये हराम है और जैसा ये बात फैली माशरे में जैसा मालूम हुआ एक दूसरे को तो जिसके हाथ में शराब था उसने वो शराब का प्याला फेंक दिया जिसके मुंह में शराब था उसने कुल्ली कर दी और जिसके पेट में शराब चले गया था उसने अपने मुंह में उंगलियां डालकर शराब को निकालने की कोशिश की ताकि उसके अंदर जो है शराब की वजह से उसके खून के अंदर उसके शराब के खतरे ना मिले हाँ तो ये है कि जब तक जायज है तो पी रहे हैं जैसा अल्लाह का हुक्म आ गया अब मालूम हो गया अहकाम तो फिर उसके बाद उसको अंदर से पी चुके भी हैं तो खै कर कर निकाला जा रहा है और जो बर्तनों में शराब थी वो बर्तनों को जो है फोड़ दिया गया फेंक दिया गया उसके अंदर से शराब बहा दी गई यहाँ तक कि मदीने में शराब की नदियां बह रही थी इतना ज्यादा शराब अब देखिए कि शराब जो है ऐसा कोई सस्ती चीज नहीं होती है राइट शराब बहुत महंगी चीज होती तो यहाँ पर उन्होंने जब बहा रहे थे तो उन्होंने शराब नहीं बल्कि अपने पैसे बहा रहे थे और शराब एक दो दिन में नहीं बनती सालों उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती कितने कितने महीने उसको रखना पड़ता इतनी महीने मेहनत करके जो शराब उन्होंने हासिल की थी जिसके अंदर पैसा भी काफी लगा था इतनी मेहनत लगी थी साल लगा था उसके बाद पर हुक्म आया और उन्होंने उसके ऊपर अमल किया तो ये होता है वो ईमान जो इंसान को अमल की तरफ पुश करता है जो सहाबा इकराम का ईमान था वो ईमान हमारे अपने आप हमारे अंदर हमको डेवलप करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर जो एहकाम आने वाले हैं वो अहकाम जब ही हमको समझ में आएंगे जब हमारे अंदर ईमान मजबूत रहेगा तो अल्हमदल्ला हम लोगों की मुसलसिल अब सूरत, हम मक्की सूरत चौदह सूरतें हम लोगों ने मक्की सूरत की पढ़ी उसमें एक आ, बीच में जो है दो तीन मिस हो गए अपने तो हम जो मुकम्मल जो मुसलसिल जो मक्की सूरतों का जो मजा लिए उसके अंदर अपने ईमान को झिझोड़े ईमान को पुख्ता करे अब उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर अब हमको ये अहकाम नाजिल फरमारे तो होपफुली हमारा ईमान इतना मजबूत हो चुका है कि अब हमारे को अल्लाह तला के तमाम अहकाम भी समझ में आ जाएंगे और उसके ऊपर अमल करने के लिए हमारा वो ईमान हमको पुष्ट करेगा और उसके बाद फिर हम कोई ए, आ, आ, जो एहकाम आने वाला है उसको ये हम बोलकर अपने जो है हीला बहाना नहीं करेंगे कि भाई ये हम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है या फिर देखते हैं इन शह इनशाला ठीक है, है अल्लाह तोफीक दिया तो कर लेंगे या फिर उसके बाद ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरा जिसम है और मेरी मर्जी है मेरी जिंदगी और मेरी मर्जी है मेरा घर और मेरी मर्जी है मैं जिस तरीके से चाहे अपनी जिंदगी गुजारू तो यहाँ पर अल्हमद अब हम मक्की सूरतों के बाद अब ये मदनी सूरत हम पढ़ रहे हैं बिस्मान रहीम अल्लाह तहा पर फरमाते हैं سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. شو الله عم نامس مهربان مهربا رحم کرنے والا ہے. ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है अब अल्लाह ताला देखिए कि अच्छा क्या ये एक ही सूरत है जो अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहे? इससे पहले जितनी सूरत है वो अल्लाह तला ही नाजिल फरमाए पर यहाँ पर मैंशन करने की क्या मतलब है अल्लाह तला बोल रहे की इसको लाइट मत लो इसको आसान मत समझो ये अहकामत वाली जो सूरत है ये अल्लाह तला की तरफ से अल्लाह तला ने नाजिल फरमाया है इसको फिर उतनी ही अहमियत देने की जरूरत है और उसे हमने फर्ज किया है यानी कि जितने भी ये अहकाम ये सूरत के अंदर आएंगे वो तमाम अहकाम हमारे लिए क्या रहेंगे अमल करना हमारे लिए जरूरी रहेगा हमारे लिए फर्ज रहेगा और उसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की है शायद के तुम सबक लो जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को सौ कोड़े मारो अब यहाँ पर जानी का हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं क्या बताया जा रहा है जान, जानिया औरत और जानी मर्द के क्या, लिए क्या हुक्म है अब देखिये की ये जो हुक्म है वो अनमारिड औरतों के लिए या अनमारिड मर्द के लिए जो है ये हुक्म अल्लाह तला नाजिल फरमा यानी कि जो मारिड है उनके लिए ये हुक्म नहीं रहेगा उनके लिए वही हुक्म रहेगा जो शरीयत में चलता आ रहा है जैसा देखिए कि अब इसके बारे में ये तरीका है हमारे पास कि जो शरीयत जो शरीयत पहले थी यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम इस्लाम से जो शरीयत चली आ रही उसमें अल्लाह ताला ये करते थे कि जो नई शरीयत में जो भी चेंजेस है वो अल्लाह ताला बता देते थे बाकी की वो नबी अपनी उम्मत को वही शरीयत बताता था जो पहले से चली आ रही थी ठीक है तो यानी कि मूर्षालाम अब इब्राहिम इब, स्ल्लाम से या फिर याकूब ईसाक या और याकूब अल्लाम से जो शरीयत आ रही वही और उसके अंदर जो चेंजेस है अल्लाह की तरफ से वो अलबत् बता देते थे ठीक है तो उसी तरीके से ईसा इस्लाम अब उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी शरीय में कुछ ऐसे अहकामत है जो पहले की ही शरीय से कंटिन्यू होंगे और जो नए अहकाम है वो अल्लाह तला बता दिए ठीक है अः तो अब यहाँ पर कि इसके अंदर ये जो सूरा है इसके अंदर अल्लाह ताला जो अनमैरिड औरत अनमारिड मर्द और, और औरत के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनको सौ सौ कोड़े मारने का है और अगर मैरिड है तो उनके लिए क्या है संसार की सजा है जो यहाँ पर नहीं बताई गई है वो चीज जो है पहले की शरीय की ही हमारे पास कंटिन्यू होगी यानी कि पत्थर मार मार के जो है हलाक किया जाएगा रहीम आयत नंबर टू से हम लोग स्टार्ट करेंगे जानिया औरत और जानिया मर्द दोनों में से हर एक को सौ कोड़े मारो और इन पर तरस खाने की तरस खाने का जज्बा अल्लाह ताला के दिन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो अगर तुम अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के अल्लाह तला और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हो और इनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक ग्रोह मौजूद हो तो यहाँ पर देखिये हद की जो सजा बताई जा रही है और जो तरीका भी बताया जा रहा है इसके अंदर की एक तो सौ कोड़े मारना है अब जैसा मर्द मर्द अगर जानी है तो भी सौ कोड़े है औरत अगर जानी है तो भी सौ कोड़े है तो अब सोचिए कि जैसा औरत को जब सौ कोड़े लगाए जाएंगे तो आ, हो सकता है कि भाई कुछ आ, तरस खाए और कमजोरी दिखाए या फिर उम्र के हिसाब से तो अल्लाह ताला यहां पर बता रहे कि वो जो गलती किए हैं उसकी सजा उनको मिलेगी और उसमें तरस भी नहीं खाना है और वहाँ पर अहले ईमान में से एक ग्रो मौजूद रहना है यानी कि सबके सामने ये होगा ऐसा नहीं कि अकेले में होगा बल्कि यहाँ पर जो है सबके सामने होगा अच्छा अब इसके बारे में देखे कि जो कोड़ों के बारे में है और इसकी जो सजा है और इसकी जो हद का तरीका है उसके काफी डूज एंड डोंट्स शरीयत में या फिर अदीस के रोशनी में हमको मिलते हैं ये ऐसा नहीं है कि बगैर सोचे समझे बस किसी को भी पकड़ लें और शक की बुनियाद पर इनको जो है सजा दे दें बल्कि ये सजा देने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है और इवन कोड़ा कैसा होना चाहिए कोड़े की मोटाई कितनी होनी चाहिए कोड़े का जो है किस चीज से मटेरियल किस चीज से उसका बनावर रहना चाहिए और मारने का अंदाज कैसा होना चाहिए कौन से पोजिशन पे कौन से हिस्से पे मार सकते और कहाँ पर मार नहीं सकते तो ये सारी चीजें दी हुई है ऐसा नहीं कि बस अंधाधुन शरीयत पर अमल किया जाए और बगैर सोचे समझे किसी को भी पकड़कर जैसा दिल बोला वैसा मार देने का है ऐसा नहीं है बल्कि इसका तरीका बताया गया है अगर हम हदीस में और इनशाला जब हम लोग इसकी डिटेल में देखेंगे यानी कि जब हम कुरान के अंदाज में इसको देखेंगे एक एक आयत को डिटेल में देखेंगे जब हम लोग इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं जानी निका ना करे मगर जानिया के साथ या मुश्रका के साथ और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशर तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि, कि अगर कोई जानी है और उनके बारे में मालूम हो जाए कि उनके अंदर ये सिफत है जिना की तो फिर उन्हों मोमिन मर्द के लिए पाक दामन मर्द के लिए वैसी औरत जायज नहीं है और वैसे औरत के लिए जो है गंदा मर्द जो है मोमिन औरत के लिए गंदा मर्द जायज नहीं है और ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर यानी कि अगर इसीलिए जो है ना निकाह करते वक्त उनकी ईमान देखना है उन आ, क्या उनका जो है यानी कि अमल कैसा है कैसा मोमिन है वो देखना इम्पोर्टेंट है ठीक है बगैर सिर्फ हम जैसा आज के माशरे में क्या होता है कि बगैर देखे उनकी आ, जो है दे, दीनदारी देखे आ, उनकी सिर्फ स्टेटस देखकर पैसा देकर डिग्री देकर ईमान उनके ऊपर जो है आ, उनसे शादी कर देते पर यहाँ पर क्या है कि उनके असल जो देखने की है वो दीनदारी देखने की है और साथ में पाक दामनी भी देखने का है क्योंकि यहाँ पर अल्लाह तला क्या बोल रहे मोमिन मर्द और औरत के लिए हराम है जानी मर्द और औरत से निकाह करना और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए फिर जादू आ, फिर आ, जो है सॉरी चार गवाह लेकर ना आए इनको अस्सी कोड़े मारो तो अब आ, यहाँ पर किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे और वो इल्ज़ाम प्रूफ नहीं हो रहा यानी कि किसी पर बहुतान लगाया जा रहा और वो बहुतान जो उन्होंने लगाया इल्जाम उसको साबित नहीं कर सके तो वो तोहमत की सजा क्या है कि उनको अस्सी कोड़े लगाने का है देखिए कि जिना करने की सजा क्या बोले अल्लाह तला आ, सौ कोड़े बोले और जिना की तोहमत लगाने की सजा क्या है अस्सी कोड़े यानी कि वो इंसान नहीं करा हुआ है तो उसमें जो है अगर ये झूठ बोल रहा ये गलत बात उसकी तरफ मंसूब कर रहा तो फिर ये तोहमत की इतना बड़ा गुनाह है इसे अंदाजा लगाइए आप कि तोहमत भी इतना बड़ा गुना है कि अस्सी कोड़े लगाने का हुक्म है और फिर यहां पर क्या है कि अगर पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए और चार गवाह न लाए कि कंडीशन क्या है कि आपको चार गवाह लेकर आने का है ताकि आप अपनी जो है इल्जाम को साबित कर सके अब ये देखिए यहां पर दो केसेस हो सकते हैं एक केस ये हो सकता कि वो जो औरत है या जो वो मर्द है वो पाक दामन है ठीक है और आयत नंबर फोर चल रही हमारी वो औरत या मर्द पाक दामन है और उसके ऊपर तोहमत लगाई जाए तो अस्सी कोड़े है तो अब यहाँ पर देखो भाई पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाया जा रहा तो वाकई में गलत बात है गुना की बात है तो उसको सजा दी जा रही समझ में आ जाता पर ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरे अंदाज में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो वाकई में जिना करने वाली औरत है या वाके में जिना करने वाला मर्द है तो अब सोचिए कि अगर हकीकत में वो लोग जानी हैं फिर भी अगर इन्हों चार गवाह नहीं ला सके और इन्हो सही है और वो औरत गलत है यानी कि जिना करने वाली औरत है और एक मर्द उसके ऊपर इल्जाम लगाए और मर्द सही है औरत और गलत है पर फिर भी अगर वो चार गवाह ना ला सके तो भी उसको अस्सी कोडे मारे जाएंगे हालांकि उन्हें सही है हालांकि उसने वो औरत को जिना करते हुए देखा तो भी उसके ऊपर सजा लगेगी तो इसका क्या मतलब बनता है कि किसी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले कुछ बोलने से पहले बहुत एहतियात बरतना है ये अल्लाह तला हुक्म क्यों रखे क्योंकि देखे कि अगर औरत वाकई में जिना करी हुई है और उसके बाद उसको सजा मिल रही तो ठीक है पर अगर वो मासूम है और उसके ऊपर कोई भी उठकर उसके ऊपर तोहमत लगा दे रहा तो अल्लाह तला ये दरवाजे बंद करने के लिए ताकि और किसी औरत मासूम औरत पर गलत बात मनसूब ना की जाए तो उसके ऊपर अल्लाह तला ने यह सजा रखी है कि नहीं सिर्फ तुम्हारा बोल देना काफी नहीं है तुम्हारी तहमत लगा देना या तुम्हारा इल्जाम लगा देना काफी नहीं है बल्कि तुम्हारे को गवाह लाना पड़ेगा चार गवाह तुम्हारे को लेके आना पड़ेगा तब तुम्हारी शहादत कबूल की जाएगी और फिर उस औरत को सजा दी जाएगी वरना तुम ही को अस्सी कौड़े लगेंगे तो इसमें क्या हो जाता इंसान डर जाता है डर के एहतियात से फिर क्या है किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले फिर वो एहतियात करता है तो तो फिर अल्लाह तला बोल रहे की उनको अस्सी कोडे मारो और इनकी शहादत कभी कबूल ना करो और एक क्या सजा दी जाएगी नेक्स्ट टाइम से ऐसे लोगों की शहादत कभी कबूल ना की जाएगी और वो खुद ही फासिक है सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद तायब हो जाए तो अब यहाँ पर अल्लाह तला बोल रहे ऐसे लोग फासिक है हाँ अगर फिर तौबा कर लें तो तौबा के तो दरवाजे हर एक इंसान के लिए खुले हैं चाहे वो कितने से बड़ा गुना क्यों ना करा हो और फिर वो जब तौबा कर लें तायब हो जाएं और इस्लाह कर लें इस्लाह कर लें कि अल्लाह ताला जरूर इनके हक में रहीम है तो फिर अल्लाह तला उनको फिर माफ कर देगा जो उन्होंने तोहमत लगाई है फिर उसके बाद अल्लाह आयत नंबर तब्स में फरमाते हैं जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाए और इनके पास खुद इनके अपने सिवा दूसरे कोई गवाह ना हो तो उनमें से एक शख्स की शहादत यह है कि वो चार मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाह गवाह ही दे कि वो अपने इल्जाम में सच्चा है और पांचवे बार ये कहे कि उस पर अल्लाह ताला की लानत हो अगर वो अपने इल्जाम में झूठा है तो यहाँ यहाँ पर देखिए कि ये हुआ कि जब अल्लाह तला अल्ला का ये अहकाम आया कि चार गवाह लाना है तो फिर आ, कुछ साहबा इकाम जैसा एक केस भी हुआ था तो उसमें ये पूछा गया कि अल्लाह के रसूल हम में से हम आ, में से कौन सा शख्स ऐसे चीज को गवारा करेगा हमारा जमीर कैसा इस चीज को गवारा करेगा कि हम अपनी बीवियों को जिना करते हुए देखे अगर कोई अपनी बीवी को जिना करते हुए देखे तो फिर वो चार मर्द को लेकर आकर वो बीवी अपनी बीवी को आ, जो है आ, ये कंडीशन में बताए और बताकर फिर उनकी गवाही ले और उसके बाद फिर अपना केस प्रेजेंट करे यानी कि किसी मर्द की गिरत तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि एक तो वो कंडीशन में अपनी बीवी को देखा और देखने के बाद फिर वो चार गवाहों को लेकर आए ये कैसे हो सकता है तो फिर अब यहाँ पर ऐसे केस में यानी कि शोहर और बीवी के केस में जो है अल्लाह तला बता रहे कि उसमें अलग रूल है क्या रूल है कि अगर वो चार गवाह ना ला सके तो फिर उसको चार शहादतें देना है चार कसम खाने का है चार बार उसको जो है अल्लाह ताला की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की अल्ला कसम चार बार उसको खाकर ये बोलने का है कि मैं ये जो इल्जाम लगा रहा हूँ अपनी बीवी पे मैं सही बोल रहा हूँ और पांचवी मरतबा ये कसम खा के बोलने का है कि अल्लाह ताला की लानत रहेंगी मेरे ऊपर अगर मैं अपने खौल में झूठा है तो अब ये बोलने से क्या हो जाएगा कि औरत के ऊपर जो इल्जाम है वो अब लग जाएंगा ठीक है पर अब औरत भी देखिए कि सिर्फ चार गवाह ही मुंह से बोल देने से हाँ और बाज लोग इतने ईमान के गए गुजरे रहते आराम से जो दिल बोला वो मुंह से बोल देते तो फिर अल्लाह ताला भी यहाँ पर औरत की प्रोटेक्शन के लिए एक ऑप्शन रखे हुए क्या कि औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो चार मरतबा अल्लाह तला की कसम खाकर शहादत दे की यह शख्स अपने इल्जाम में झूठा है फिर अब उन्हें भी बच सकती चार बार खसम खा के शख्स मेरे बारे में झूठ बोल रहा झूठ बोल रहा चार मरतबा बोलेगी और पांचवी मरतबा कहे कि उस बंदी पर अल्लाह ताला का गजब टूटे अगर वो अपने इल्जाम में सच्चा हो अगर उन्हें सही बोल रहा और मैं झूठी खसम खा रही हूँ तो अल्लाह ताला मेरे उसमें जो है आ, मेरे ऊपर अल्लाह ताला की लानत अब देखिए लानत और गजब की खुद के ऊपर बदवा कर ले रहे क्या जबरदस्त अल्लाह ताला ने सोल्यूशन यहाँ पर रखा है और साथ में औरतों का प्रोटेक्शन भी अल्लाह ताला ने देखी किस तरीके से किया किसी मर्द के लिए ये इजाजत नहीं है कि मर्जी में आए जैसा औरत के ऊपर इल्जाम लगा दे बल्कि अल्लाह तला ने औरतों की भी मुहाफिजत अल्लाह तला की अब अगर यहाँ पर अल्लाह तला यही रूल रख देते कि बस अगर आदमी चार मरतबा खसम खा के पांच मरतबा लानत दुआ कर ले तो फिर औरत पर सजा लग जाएंगी और उसको सजा दे दी जाएंगी नहीं नहीं अल्लाह ताला फिर क्या करे औरत की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर फौरी अल्लाह ताला कर दिए तुम लोगों पर अल्लाह ताला का फजल और इसका रहम ना होता तो ये बात ना होती कि अल्लाह ताला बड़ा इल्तफात फरमाने वाला और हकीम है तो अगर अल्लाह ताला तो फजल की बिना पर तुम्हारे ऊपर ये अल्लाह ताला ने रूल रखा है तो बीवियों पर इल्जाम का मामला तुम्हें बड़ी पेचीदगी में डाल देता तो अब यहाँ पर अगर ये हुक्म नहीं आता तो फिर मसला हो जाता एक तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए औरत को मसला हो जाता या फिर आदमी के लिए भी जो है उसको अपनी औरत की बुराई को साबित करने के लिए उसके लिए भी मसला हो जाता इन लदीना जाऊ फिर अल्लाह तला बुरे जो लोग ये बहुतान घर, घर लाए हैं और वो तुम्हारी तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है अब ये कौन से बहुतान की बात यहाँ पर चल रही है आयत नंबर कौन सी है ये आयत नंबर इलेवन ठीक है तो इन लदीना जाऊ बिल इफ की क्या है बिल इफ की उस बतुम बतुमिन इफ का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से बनावटी कहानी घड़ कर लाना ठीक है तो इसको इफ कहते हैं इसीलिए जो है ये वाक को वाक इफक भी कहते हैं वाक इफ्क आप जो है इसको बोलेंगे तो अल्लाह तला बोल रहे हैं कि जो लोग बहतान घड़कल है क्या बहतान है अब इसके बारे में हमारे को बैकग्राउंड देखना पड़ेगा तब हमारे को समझ में आएगा तो इसका बैकग्राउंड ये है ठीक है इफ का मतलब आई एफ के ठीक है आई एफ केस की इफ यानी कि अपनी मर्जी से बनावटी कहानी घड़कर लाना अपनी मर्जी से जो है कहानी बनाना झूठी कहानी बनाना आप ऐसा बोल सकते हैं कि झूठी अपनी मर्जी से झूठी कहानी बनाना तो अब देखिए कि ये जैसा मैं शुरू में बताई थी कि ये बनु मुस्तलिक के बाद नाजिल होने वाली सूरत है तो अब इसका क्या बैकग्राउंड है इस, ये कौन से अल्लाह तला कौन सी झूठी कहानी की तरफ ये इशारा अल्लाह तला यहाँ पर कर रहे हैं तो ये झूठी कहानी ये थी कि बनु मुस्तलिक बनु मुस्तलिक में जब जो है आप सल्लासम गए और वहां पर जो है एक गजबा पेश आया उसकी वापसी में बीबी आयशा रजत आपके साथ थी यानी कि आप का तरीका था कि एवरी टाइम अपनी जो है बीवियों को खुरा डालते चिट्ठी डालते जिसका नाम उठता वो बीवी को अपने सफर में साथ लेकर जाते तो अब इस बार जो है बीबी आयशा रजतना की बारी थी तो उन्होंने उनके साथ जो है चले गए वापसी में यह हुआ कि बीबी आयशा रजतना जैसा रास्ते में जो है पड़ाव डालते हैं रुकते हैं तो फिर वहां पर जिसको अपनी हाजत पूरी करना है अपनी हाजत पूरी कर लेता है तो बीबी आयशा रजतना जाकर अपनी हाजत जो है पूरी करने के लिए जब जाती हैं तो जाकर जब मतलब ग्रुप के साथ डेफिनेटली पूरे ग्रुप के औरतें मिलते थे जाकर जो है जरूरत पूरी करते थे तो फिर उसके बाद जब जरूरत पूरी करके आप वापस आती हैं तो आप रियलाइज करती हैं कि आप जो अपनी बहन बीबी अस्मा का जो हार लिए थे वो हार आपसे आपके जो है आपसे गुम हो गया तो जैसा उनको रियलाइजेशन होता तो उन्होंने क्या करते वापस से फिर से जाते हैं सेम रास्ते पर और अपनी जो है हार को तलाश करते हैं तो अब उसमें यह होता कि पहले तो ग्रुप के साथ थे पर अब जब हार गए तो अकेले चले गए अब हार जब हार ढूंढते ढूंढते जो है आ, द, जाते हैं ढूंढने के लिए वापस तो उस दौरान ये होता है कि जब सब लोग वापस आ गए महसूस हुआ कि सब आ गए तो फिर क्या है कि काफिला चलना शुरू हो जाता है तो अब ये जो जो हदज में उन्होंने बैठते थे यानी कि जो आ, Uh, कैरामिन का जो uh, यानी कि ऊंट के ऊपर जो रखा रखा जाता ना एक छोटा सा जैसा रूम टाइप जो बनाते हैं जिसके हौदज कहते हैं तो वो जो uh, था तो uh, उसको क्या करे जो उठाने वाले uh, जो uh, मर्द थे जो जिम्मेदार थे उसको उठाने के खादिम जो थे उन्होंने उसको उठाया और ऊंट पर सवार कर दिया और ये समझे कि बीबी आयशा आयशर रजतना उसके अंदर मौजूद है क्योंकि उम्र भी छोटी थी फिर आप सली आप बीबी आयशा आयशर रजताना की जो है यानी कि बहुत दुबली पतली थी तो वेट भी बहुत कम था तो महसूस नहीं होता पता आप है या नहीं है तो उठा कर जो है उसको कैमल पर सवार कर दिए और काफिला आगे बढ़ गया अब बीबी आयशा रजा तला जो ढूंढे ढूंढे ढूंढकर धून जब वापस आए और देखे के जो है जब रियलाइज करे कि काफिला उनको छोड़कर चले गया तो बहुत परेशान भी हो गए फिर अल्लाह ताला पर भरोसा करे और फिर वहीं पर जो है वो लेट गए ठीक है तो अब यहाँ पर यह हुआ कि आप सल्लाहम सफान बिन मोत्तल रजा तला एक सहाबी थे तो उनके जिम्मे ये थी ड्यूटी ये थी कि जब भी काफिला निकलता तो उन्होंने काफिले के साथ नहीं निकलते बल्कि पीछे रहते रुकते वहां पर और फिर जो है पीछे 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 जो है काफिले के आते और ये देखते आते कि काफिले के पीछे कोई सामान छूट नहीं गया किसी का कुछ ना कुछ जो है छूट जाता है ना तो वो छूट ना जाए और फिर जो है उन्होंने वो चीजें कैरी करके उठाकर फिर जो है आके ज्वाइन कर लेते थे तो ये उनकी ड्यूटी थी तो सफान रजत जो है अपने हिसाब से सारी चीजें कलेक्ट करते हुए अपने हिसाब से आ रहे और जैसा उनको नजर पड़ती है बीबी आयशा रजत रजना पे तो उन्होंने परेशान हो जाते और फिर जो है जब बीबीशा रजा तला लेटती है तो फिर वहां पर उनको नींद भी लग जाती है तो फिर जैसा नींद नींद लग जाती है और चेहरा उनका खुला होता है तो जैसा सफान रजत देखते हैं तो देखते साथ जो है फौरी इन्ना लाही व इन्ना इलाही रोजियोन पढ़ते हैं ये तो रसूल अल्लाह की बीवी है और उन्होंने बताते हैं कि क्योंकि मैंने बीबी आयशा रज को उस जमाने में देखा था जब पर्दा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो उन्होंने उनका चेहरा देखे थे और पहचानते थे कि ये बीबी आयशा रजताना है क्योंकि अब डेफिनेटली हुजूर की बीवी थे तो फिर सारे लोग पहचानते भी थे तो फिर उन्होंने देखते साथी पहचान लिए कि ये बीबी आयशा रजताना है क्योंकि ये उन्होंने उन्होंने बताते हैं कि पर्दे के हुक्म से पहले मैं देख चुका था फिर जैसा उनकी आवाज़ आती है बीबी आयशा को तो बीबी आयशा फौरी अपना दुपट्टे से घूंघट से जो है अपना चेहरे को ढांक लेती थी तो आप देखिए कि यहां पर ये दलील इंशाल्लाह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम पर की अहकाम लेंगे तो बहरहाल फिर वाक इस तरीके से होता है कि सफान रजत अनहू क्या करते हैं अपनी ऊंटनी को बीबी आयशा रजतना के करीब लाकर फिर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं पलट कर तो फिर बीबी आयशा रजताना उसके पर सवार हो जाती है अब देखिए कि क्या शराफत है कि आप जब बैठ रहे चढ़ रहे उसके ऊपर तो आप वहां पर ठहरे भी नहीं बल्कि दूर चले गए और बीबी आयशा रजत तैनाह उसके पर सवार हो गई और फिर आप उसकी जो है ऊंटनी की नुकेल पकड़े और नुकेल पकड़कर जो है आप फिर तेजी से काफी लेके टूवे बड़े और जैसे काफिला फिर जब तक क्या है कि मदीना पहुंच गया था और वहां पर ये बात फैल चुकी थी कि बीबी आयशा रजताना काफिले में नहीं है और पीछे रह गई और पीछे और एक कौन है सफान बिन मौतल है तो नौज बिल्ला नौज बिल्ला अब वहां पर जब जब सफान बिन मौतल और बीबी आयशा रजताना एंटर हुए जब आए मदीने में तो जैसे मुश्रकी मुनाफिन देखे तो मुनाफिक में से खासतौर पर अब्दुल्ला बिन उबई ने यह बोला कि जब जवान मर्द और जवान औरत साथ में रहते तो वो फिर पाक दामन बचकर कैसे आ सकते तो इतनी बड़ी बात जो है उसने कही और बीबी आयशा रजत और सफान बिन मोतल रजा तला के टूव जो है उसने मनसूब किया और फिर ये जो है बात जैसा जो है बुरी बातें हम देखते हैं कि बुरे बातें हमेशा तेजी आग की तेजी की तरह फैल जाती हैं और खास में खास तौर पे उसमें फैलाने वाले मुनाफिक सबसे ज्यादा मुलविस थे और फिर क्या है कि जैसा जो यानी कि ऐसी जो बात होती है ऐसी खराब बातें जो होती हैं कि किसी के बारे में तजस वाली और बहतान वाली बदगुमानियों वाली तो ऐसी चीजें जो है मुंह में टिकती भी नहीं है को, हर कोई जो है अरे मैं उनसे ये बात सुना अरे मैं उनसे ये बात सुना तो ऐसी होते 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 फिर वो चीजें क्या हो जाती हैं फैलने लगती है और फिर लोग एक दूसरे को बोलना शुरू कर देते हैं तो अब ये बात ऐसी फैलती गई अब इसमें इस दौरान ये हुआ कि सफर की थकान की वजह से एनऑल आप बीबी आयश रज की तबीयत जो है कुछ नासाज रहने लगी अब जब तबीयत नासाज रहने लगी तो आ, आ, आप सलीलम और बीबी आयशर रज को कानो कान खबर ही नहीं है कि बाहर क्या बातें उनकी तरफ मनसूब की जा रही है किस तरीके से जो है बहतान उनके ऊपर लगाया जा रहा अब वो तबियत खराब है किसी से मिलना मिलाना भी नहीं अपने बिस्तर आरोप पड़ी हुई है अलबत्त ये देखती है वो महसूस करती है की आप सलीलम का जो मामला है जैसा हमेशा आपके टूअर्ड होता था बीबीआ रज के ट्स वे ऐसा मामला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह का नहीं है और जैसा आप आप सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह हमेशा जैसा आपका ख्याल रखते अगर बीमार है तो आपकी तीमारदारी करते आपको जो है सर दबाते आपके पैर दबाते आपका ख्याल करते आपके हर रिक्वायरमेंट के बारे में देखते तो ये बात जो है वो वाली फीलिंग नहीं थी वो इसलिए नहीं थी क्यों नहीं थी वो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम जो है मेंटली रिलैक्स नहीं थे आपके ऊपर जो है बाहर से बहुत ही प्रेशर पड़ा था आप सोच के देखिए कि एक तो आपके घर वालों के बारे में आपके घर की औरतों के बारे में अगर कोई कुछ बुरी बात कहे तो वो मर्द की गिरत के ऊपर वो मर्द की जो है इज्जत के ऊपर कितनी बड़ी जो है चोट पड़ती है और फिर जबकि बीवी सबसे जो है चहीती बीवी है और फिर आप सल अलाम हया की वजह से या फिर जो है अप, एक यानी कि अपनी शरीफ की वजह से बीवी आयशा रज से भी खुद इसका जिक्र नहीं कर रहे और एक डर भी आपके अंदर मौजूद है कि क्या ये बात सही है क्योंकि जब इतना जो है बुरी बातें अतराफ माशरे में फैली होती है किसी के बारे में तो फिर यकीन करना मुश्किल हो जाता कि सही क्या है और गलत क्या है और इंसान एक पॉइंट पे जो है गुमान करने लगता कि क्या लोग जो बता रहे हैं क्या वो सही है तो अब आप अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा इस मामले में परेशान थे एक तो ये है कि घराना किसका है नबी का घराना है यानी कि जिसके ऊपर नबुअत दी गई है जो घराना पागदामन जो नबी पाकदाम है जिसका घराना पागदामन है यानी कि गोया आपके घराने पर बात उठाना गोया इस्लाम के ऊपर बात उठाने के बराबर हो गया था और एक्चुअली चाहरे भी यही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो मेंटली तकलीफ दे और फिर दूसरा क्या है दीन के ऊपर बात आए दीन के ऊपर जो है यानी कि जो तबलीग करने वाली जगह है जो जहां से इस्लाम फैल रहा है जहाँ से शराफत जो की तबलीफ की जा रही है वही घर के लोग देखो ये काम करने वाले हैं तो अब ये क्या होगा पूरा बात इस्लाम पर आएगी तो आप सल अलासम बड़े टेंस थे एक तो घर का पर्सनल इशू है घर का इश्यू है और दूसरा इस्लाम का इशू है जिसकी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा परेशान इतने ज्यादा फिक्रमंद थे और समझ में नहीं आ रहा कि अब इसके मामले में क्या करें किससे पूछे कैसा मालूम करें कैसे इसकी हकीकत को पहुंचे अब देखिये इससे समझ में आता कि और यही सिलसिला जो है एक महीने तक चलता रहा एक महीने तक ऐसी जो है आप सल अला उसम परेशान है इनसे पूछ रहे उनसे पूछ रहे मशवरा ले रहे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा और बातें फैलती जा रही और बुरे बुरे बातें जो है आप सलम के अजवाज मुतारत और घर की ट्रुवट जो है मंसूब की जा रही है और खासतौर पर बीबी आयशा और इसकी ज़र्ब देखिए सिर्फ आप पे नहीं पड़ी बल्कि उमर रजत अबूबकर रजत जो बीबी आयशा रजत के वद है उनके ऊपर भी जर पड़ी तो बहरहाल अबू बकर आप सलल्ला उसम परेशान अब इसी इसी तरीके से ऐसी हालत में जो है हालात में एक महीने के तकरीबन तक्रिव, जो है दिन गुजर जाते हैं और फिर आप सल्ला उसमन परेशान हैं तो बीबी आयशा ना जब ये महसूस करती हैं आपके टूवर्ड्स जो है थोड़ी सी जो बेरुखी है हमेशा जैसी मोहब्बत और ख्याल करते तो फिर आप इजाजत देती है कि मैं अपने अम्मी के घर जाना चाह रही हो तो आप सल इजाजत दे देते हैं अब जब जो है बीबी आयशा ने यहाँ पर आए तो फिर उनके अम्मी और अबू की भी कैफियत में जो है तब्दीली उन्होंने महसूस कर रहे हैं पर फिर भी उनको वो बात समझ में नहीं आती क्या वजह है और फिर जब थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक हो जाती है तो ठीक होने के बाद उन्होंने क्या करते जरूरत के तौर पर जरूरत के लिए बाहर जाते हैं तो अपने साथ अपने घर की एक खातन एक औरत को जिसका नाम उम्मे मिस्ता रहता है उनको लेकर जाते हैं अपने साथ तनाई में नहीं अकेले नहीं जाना चाह रहे थे तो साथ में लेकर जाते और वो तरीका भी था कि ग्रुप में जो है जाते थे तो उम्मे को जैसे ठोकर लगती थी तो उनु जैसे सॉरी जैसे ठोकर लगी तो उन्होंने कहा कि मिस्ता बर्बाद हो जाए तो उन्होंने अपने खुद यानी कि मिस्ता की माँ है उम्मे मिस्ता का मतलब मिस्ता की माँ है तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो बीबी आयशा आयशर रजताना बोलते कि क्या हो गया आपको कि आप अपने बेटे को लानत कर रहे जबकि वो बदरी साहबी है आप उनके बारे में ऐसा बुरा बोल रहे तो ऐसा कैसा बोल रहे तो बीबी आयशा उम्मे मिस्ता जो है बीबी आयशा रजा रजताना के ट्वर्ट्स परेशानी से देखते हैं और बोलते हैं की आपको नहीं मालूम कि मिस्ता ने आपके बारे में क्या कहा तो बोलते कि क्या कहा तो फिर वो पूरी बात जो है बीबी आयशर रजत को सुनाती हैं जब बीबी आयशर रजत को जो है पूरे समझ में आता कि भाई जब पूरी चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बर्ताव इस तरीके से क्यों था या फिर उनके अम्मी और अबू के चेहरे पर हवाएं क्यों उड़ रही थी और क्या मामला है अब जो है समझ में आता है और फिर उसके बाद उन्होंने बताती है अपने बारे में कि मैं जो जरूरत के लिए निकली थी घर से वो सारी जरूरत में भूल गई और फिर मैं बगैर अपनी जरूरत को पूरी करे अपने घर को वापस गई और मुसलसिल दो रात और एक दिन में रोती रही रोती रही रोती रही और अल्लाह तला से दुआ मांगती रही और बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा मेरा जो है मतलब ए, क्या हाल होने वाला है रो रो कर गोया ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा शक हो जाएगा मेरा कलेजा फट जाएगा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था और मुझे देखकर मेरे वालदेन भी मेरे साथ जो है वैसे ही रो रहे थे गोया ऐसा कि हमारे सरों पर जो है पहाड़ टूट पड़ा है अब यहां पर देखिए देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी क्या हाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीबी आयशा आयशर अन्हा से नहीं पूछ रहे देखिए कि ये भी कितना प्यारा तरीका है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया का तरीका और अखलाक देखिए कि सीधा जो है अच्छा तुम ये ये करे बोल के सीधा आके नहीं पूछ रहे बल्कि आपके बारे में पहले मालूम कर रहे तो फिर आप जो है उन, उनकी जो है लॉन्डी को बुलाते हैं उनसे पूछते हैं कि बीबी आयशा आयशर अन्हा के अंदर क्या कभी तुम बुराई देखे हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके सबसे बड़े गवाह हैं आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है फिर भी देखिए कि जब जैसा होता ना कि आप खुद जब गवाह होते हैं पर आपकी सेल्फ गवाही काफी नहीं होती आपको दूसरों से पूछना पड़ता तो अब आप यहाँ पर पूछ, पूछे तो उनकी जो खादिमा होती है वो बोलती कि आप बीबी आयशा रज तला मैं आज तक किसी बुराई का शैबा तक नहीं देखी मैं फिर जो उनके जो उसामा बिन जैद जो रहते जैद रजत के बेटे तो उन्हों भी बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल आप इतनी यानी कि खरा सोना है बीबी आयशा रजत खरा सोना है आप उनके बारे में ऐसा तस्वर भी नहीं करिए अब देखिये इसके बारे में और एक एक भी बहुत खूबसूरत और प्यारी रिवायत है कि अबू अबू अयूब अंसारी रजत तला के बारे में आता है कि उन्हों जो है अपनी बीवी के बीवी से पूछे के यानी कि अपनी बीवी से मुखातिब होके पूछे कि क्या अगर तुम जो है बीवी आयशा रज की जगह पर होते और तुम जो है अगर तुम्हारे को ऐसा मौका मिलता यानी कि तुम तनहा है किसी मर्द के साथ तो क्या तुम कोई बुराई करते तो उन्होंने बोले कि नौज बिल्ला मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी मैं मैं तो इसके बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं ऐसी बुराई का अमल करूं जबकि मैं ईमान ला चुकी हूं और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखती हूँ अल्लाह आखिरत के दिन का ईमान है मुझके मुझे तो फिर जो है उन्होंने बोले कि अच्छा तो तुम्हारे से बीबी आयशा तुमसे अफजल है क्या बोले उन्होंने बीबी आयशा तुमसे अफजल है और फिर अगर मैं ऐसी सिचुएशन में रहता फिर उन्होंने अपने बारे में बोले रहे अगर मैं ऐसी सिचुएशन में रहता तो मैं हरगिज ये अमल नहीं करता था अगर मैं अकेला रहता था बीबी आयशा के साथ तो मैं हरगिज ऐसे अमल के बारे में सोच भी नहीं सकता था तो और फिर क्या है सफवान बिन मोहतल मुझसे अफजल है तो जब मेरे से हम नहीं सोच सकते ये इसके बारे में तो जो बीबी आयशा है और सफान बिन मोतल है उन्होंने ये काम कैसे कर सकते तो ये बिल्कुल सरे बहुत ये हो ही नहीं सकता बोल के उन्होंने कहा तो इसकी तारीफ भी अल्लाह तला आगे देखिए बता आ, त, करेंगे तो फिर यहाँ पर यह हुआ कि अब आप सल अला जब सबसे पूछ लिए अब फिर क्या है कि इवन अबू बकर ने भी अच्छा मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल क्या आप जो बीबी आयशा से शादी करे आप अपनी मर्जी से करें या अल्लाह तला का हुक्म था तो आप सल्लाह ने फरमाया नहीं ये तो अल्लाह का हुक्म था अल्लाह तला ने तो बीबी आयश की सब कपड़े में जो है तस्वीर मेरे पास जो है भेजी थी जबराम के जरिए से और मैंने अल्लाह के हुक्म से ये किया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलम कोमर रज इतनी प्यारी बात फरमाते हैं कि देखिए अगर हमार हमको अपने बेटों के लिए अच्छी लड़कियां मिल जाती है पाक दामन लड़कियां तो क्या अल्लाह तला को अपने नबी के लिए पाक दामन औरत नहीं मिल सकती जबकि अल्लाह तला तो उस तमाम हाजिर और गायब का खुले और छुपे हर चीज का जानने वाला है तो जब वो ये बात सुने अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रिलैक्स हो गए आप एकदम सुकून में आ गए और आपको बहुत प्यारी जो है ये बात लगी अब देखिए की आप आ, उमर रजत किसके बारे में ये बात बता रहे अबू बकर बेटी के बारे में ये बात बता रहे ठीक है जो जैसा हमेशा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि अबू बकर और उमर रजतन का नेकी में हमेशा कंपटीशन होता था राइट और फिर आपकी जो बेटी है यानी कि उमर रजतन की जो बेटी है वो बीबी आयशा रजतना की सौतन है यानी कि हफ्ह रजना तो अब देखिये कि यहाँ पर कैसी मोहब्बत थी साहबा इक्राम के दरमियान एक दूसरे के दिलों में कि कॉम्पिटिशन है तो नेकी का कॉम्पिटिशन है आखिरत में एक दूसरे से आगे बढ़ने का कॉम्पिटिशन है वो कॉम्पिटिशन हसद का कभी भी जो है रुख नहीं लेता था वो कॉम्पिटिशन कभी भी जो है जलन का सबब नहीं बनता था क्या प्यारी बात उन्होंने अबू बकर बेटी के बारे में कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और कुछ जो है फिर आप तवील खैर वाक है अब मैं यहाँ पर जो है फिर अपन शॉर्ट में देखेंगे कि अब अभी भी आयशा अन्हा के पास हुजूर आते हैं और आकर फिर अब आप जो है पहली बार एक महीने के बाद पहली बार बीबी आयशा से बात करते हैं अब बीबी आयशा अन्हा को अपना एक अलग गम है कि भाई मेरे मिया थे मेरे से पूछना चाहिए था मेरे से मालूम करना चाहिए था दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है या फिर जो है मेरे मियाँ हैं तो पूछने की क्या जरूरत थी क्या उनको नहीं मालूम कि मैं कैसी हूँ तो होता ना अगर हम भी होते तो ऐसे ख्याल जो है आते तो आप बीबी आयशा रज को एक गम अलग ये था कि ये बहुत लगाया गया वो तो कहाँ है गम सबसे ज्यादा गम उनको ये था कि आप सल्ला मेरे बारे में ऐसा सोचे भी कैसा अब देखिये क्या होता है अब यहाँ पर क्या है जब आप सल अला आते हैं तो आने के बाद आप सल्ला वसलम बीबी आयशा रजा रज को ये बोलते हैं कि की आयशा आई अगर जो है तुमने गलती की है तो अल्लाह तला से तोबा करो माफी मांगो इस्तार करो और जुर्म जुर्म का एतराफ़ कर लो तो अल्लाह तला जो है तुम जब जो जुर्म का एतराफ़ करता है और तोबा कर लेता है तो अल्लाह तला उसके जुर्म को माफ कर देता है तो अब यहाँ पर जो है आयशा रजा बीबीआई फरमाती है कि दो रात एक दिन में मुसलसिल रोती रही गोया ऐसा कि मेरे आंखों से आंसुओं की झड़ी जो है रुक नहीं रही थी मुसलसिल आंसू बह रहे थे पर जैसा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताते हुए सुना कि तुम माफी मांग लो हालांकि उनको ये बोलना चाहिए था कि मेरे को मालूम है तुम नहीं कर ये काम तो वो नु ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अब जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोले आप बीबी आयशा अन्हा को वो बात इतनी जो है यानी कि बुरी लगी वो फौरी बताती हैं कि गोया ऐसा कि मेरे आंखों से आंसू सूख चुके बिल्कुल मेरे आंसू बंद हो गए और फिर उसके बाद जो है बीबी आयशा अन्हा को कुछ भी नहीं समझ में आया उन्होंने अपने वालिदैन से कहा आप जवाब दें अब उनके वालदन को समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब देना क्योंकि उनको भी नहीं मालूम हकीकत क्या है सही क्या है गलत क्या है और बोलेंगे भी तो अपनी बेटी के फेवर में जो है उन्हों बोलेंगे भी तो क्या फायदा है अब हर हर अपनी अपने बच्चों के फेवर में तो कहते ही है तो फिर अब उसके बाद जब उनके अम्मी अबू भी कुछ नहीं बोले तो बीवी आयशर रजा तक और बुरा लगा कि मेरे अम्मी अबू भी मेरे बारे में शक कर रहे तो अब यहाँ पर देखिये उनके क्या प्यारे अल्फाज है लिहाजा आयशा रजत ने खुद ही कहा वल्लाह मैं जानती हूँ कि ये बात सुनते सुनते आप लोगों के दिलों में ये अच्छी तरह बैठ गई है यानी कि ये ये जो रूमर जो पहल रहे हैं ये सारे जो बहतान जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा तुम आप लोग भी उसके ऊपर यकीन करे अच्छा यानी कि देखिए कि जब दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते वो उतनी तकलीफ दे बात नहीं रहती जबकि अपने अगर हमारे बारे में कुछ बोले जो हमको जानते हैं हमारे बारे में मालूम है तो भी हमारे बारे में कुछ बुरा बोले तो हमको कितनी तकलीफ होती ना तो अब यहाँ पर बीबी आयशा रजा आयशाज ने उसी तकलीफ से गुजर रही थी और फिर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर है उनकी अम्मी रोमान है तो उन लोगों को जो है हकीकत नहीं मालूम है गैब थोड़ी है दिलों का हाल छुपे हुए राजो का हाल मालूम थोड़ी है तो अब उन्होंने जो जाहिर असबाब है जाहिर चीजें है तो उसके हिसाब से उन्होंने पूछ रहे हैं कि भाई क्या है तुम तो पर यहाँ पर उनको वो पूछना भी बुरा लगा तो उन्होंने बोले कि अच्छा अच्छी तरह ये बातें आपके दिलों में बैठ गई हैं और आप लोगों ने उसे सच मान लिया है इसलिए अब अगर मैं ये कहूं कि मैं पाक हूँ और अल्लाह ताला खूब जानता है कि मैं पाक हूँ तो आप लोग मेरी बात को सच नहीं मानेंगे क्योंकि आपको मानना ही नहीं है ना आप चाह रहे कि मैं अपने जुर्म का जो है झूठा एतराफ करूँ तो आप लोग जो है मेरी बात नहीं मानेंगे और अगर मैं किसी बात का एतराफ कर लूं की हाँ अगर मैं ये करीबी हूं अगर मैं किसी बात का एतराफ़ कर लूँ और अल्लाह खूब जानता है कि मैं इससे पाक हूँ तो आप लोग सही मान लेंगे यानी कि अगर मैं जुर्म का एतराफ करी तो वो मान लेते और जुर्म का इनकार करी तो वो नहीं मानने तैयार तो हैं आप लोग अच्छा तो फिर अब यहाँ पर जो है उन्होंने बताते हैं कि उसको सही मान लेंगे इसलिए मैं अपने और आप लोगों के लिए मिसाल यही मिसाल पाती हूँ जैसे हजरत यूसुफ असलाम के वालिद ने कहा था फसबर जमीन वल्लाहुल अला वल्लाहलमस्तान सो सबर ही बेहतर है तुम लोग आ, तुम लोग जो कुछ कहते हो इस पर मैं अल्लाह ताला ही की मदद तलब करूंगा तो अब यहाँ पर देखे की कि कितनी प्यारी जो है सूरह यूसुफ की आयत कोट कर कर बता रहे की मैं जो है सबरे जमील करूंगी और फिर जो है इस बारे में जो तुम आप लोग मेरे बारे में बोल रहे उसके बारे में मैं अल्लाह तला के से ही मदद लूंगी अब यहाँ पर उन्होंने मदद तलब की और अल्लाह तला से दुआ की और अल्लाह की वहां पर जलाल और जो जो अल्लाह तला का जो जलाल और मोहब्बत है और रहमत है मफफरत है वो जोश माने लगी और फौरी अल्लाह तला ने आप सल अल्लाह पर बीबी आयशर रजतना की बारात में वही नाजिल फरमा दी इसके बाद हजरत आयशर रज क्या करे पलट कर लेट गए और जैसे वो लेटती है उसी तरीके से आप सल अलासम पर वही नाजिल होना शुरू हो जाती है और जैसे वही नाजिल होती है तो बीबी -बी जो है रोमान और अबू बकर की परेशानी में और इजाफा हो जाता और आप स... बीबी आयशा रिलैक्स रहती है और जैसे वही की कैफियत खत्म होती है तो आप सलील मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि ए आयशा आई खुश हो जाओ ए आयशा आई खुश हो जाओ तुम्हें तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह तला ने कुरान में नाजिल फरमाया है देखिए कि यहाँ पर अल्लाह तला अपने बंदों को कैसे अब हिफाजत करते हैं तो आप अलैहि वसल्लम जैसे ये खुशखबरी सुनाते हैं तो फिर उस पर बीबी आयशा रजतना की माँ जो है बोलती है कि आयश आए आयशा उठो और फरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो तो इस पर आयशा रजतना फरमाती हैं कि मैं इनकी तरफ नहीं उठूंगी मैं तो सिर्फ अल्लाह तला की तारीफ करूंगी यानी कि आप लोग सब लोग तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाने पर तैयार थे अब मैं पहले तो अल्लाह तला का शुक्र अदा करूंगी कि जो हमेशा के लिए मेरी बाग दामानी जो है बयान कर दिए तो अब देखिये कि ये इफक के बारे में यहाँ पर जिक्र है तो अब अल्लाह ताला जो जो मुनाफि मुसलसिल बीबी आयशर रजा के ऊपर बुरी बात बयान कर रहे थे तो वो अल्लाह क्या करे उसकी बरात अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा दिए क्या ऊंचा सोच के देखिए क्या शर्फ की बात है किता क्यामत तक हर एक इंसान हर एक मोमिन और मुसलमान बीबी आयशा रजा तला की बरात के बारे में पढ़ता रहेगा और हमेशा ये वाकिया को याद करता रहेगा तो अब यहाँ पर जैसा फिर ये बात हुई तो आप सल असलम जो है मुतमिन हो गए और फिर ये तमाम लोगों के अंदर जो है ये बात अल्लाह आप, आप ने बता दी अब रहा जो मिस्ता का जो मामला था तो कुछ जो है इस, इसके बारे में आता है कि तमाम आ, जो है मुनाफि इसके अंदर इन्वॉल्व थे सिवाय तीन मोमिनों के सिर्फ तीन मोमिन थे जो वाकई में ईमान वाले थे पर वो लोग भी जो है गलती से इसमें इन्वॉल्व हो गए बस वक्त होता ना कि हम भी जो है गलती कर लेते तो उनसे भी ये गलती हो गई तो जिसके अंदर जो है मस्ता बिन असास थे और फिर जो है दूसरे हसान बिन साबित थे जो शायर रसूल के नाम से भी जो है लखब है का और मशहूर है और तीसरा जो है हमना बिनते जहश यानी कि ये आ, साहबिया थी आ, जो है जैनाब बिनते जहश की बहन ठीक है हमना बिनते जहश तो ये तीनों जो है मोमिन थे पर इसमें जो है मुब्तला हो गए थे गलती हो गई थी इंसान इंसानी बशर होने के नाते तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहे कि जो लोग बोहतान लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है यानी कि मुनाफिकीन है इस वाक़े को अपने लिए बुराना समझो इस वाके के इस वाके को अपने हक में शर् ना समझो बुरा ना समझो बल्कि ये भी तुम्हारे लिए खैर है अल्लाह ताला इतना बड़ा बहुत जिसमें आप अलैहि वसल्लम एक महीने तक परेशान रहे और फिर जो है साहबा इकराम हर कोई परेशान है और अबू बकर घराना परेशान है और फिर आप बीबी आयशा को मालूम हुआ तो इतनी परेशानी उनके ऊपर गुजरी अब उसमें भी अल्लाह तला क्या बोल ये वाक़े को बुरा मत समझो ठीक है क्यों क्योंकि ये वाकया क्या था ये वाकया जो है हमारे लिए आजमाइश थी अल्लाह ताला बता रहे कि ये वाकया एक्चुअली क्या थी आजमाइश थी तो फिर इसके जरिए से अल्लाह तला ने आप सल्लासम की सहाबा की और बीबी आयशा रजत सबकी आज़माइश करे और कुरान में अल्लाह तला ने तामत तक आयशा रजत का नाम आ गया ये एक खैर की चीज़ है दूसरा जो है आप बीबी आयशा के दर्जात बुलंद हुए ये और एक खैर की चीज़ है फिर क्या है इसके जरिये से कई एहकाम नाजिल हुए अल्लाह तला ने कई अहकाम नाजिल फरमाए और फिर क्या है इसके जरिये से फायदा ये हुआ कि हद का तरीक़ा एहकाम जिना का तरीका बहुतान के बारे में बता दिया गया बहुतान के ऊपर अस्सी कोडे का जो है हुक्म जारी कर दिया गया ताकि फ्यूचर में कभी कोई बीबी आयशा रजतानहा की तरह लोगों के बहतान का शिकार न बने अब एक जो है शिकार हो चुकी है पर उसमें देखिए कि खैर क्या हुआ कि बीबी आयशा रजतना के जरिए से तमाम ख़यामत तक आने वाली औरतों की इज्जतों की हिफाजत कर दी गई इज्जतों के उनके जो ऊपर जो बहुत लगाया जा सकता था जो चाहे मुंह उठाकर कोई जो है पाक दामन औरतों की तरफ कोई बात मनसूब कर सकते थे उसके बारे में बीबी आयशा रजतना की ये कुर्बानी की बरकत से तक की औरतों की हिफाजत हो गई तो ये बीबी आयशा रजत ने की कुरबानी का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है और फिर दूसरा देखिए कि मोमिन और मुनाफिक कौन है ये भी साफ साफ खुलकर सामने आ गया तो अभी अल्लाह तला यहाँ पर बता रहे कि ये जो ये तो तुम्हारे हक में खैर है तो अक्सर ऐसा होता कि बात चीजें हमारे को जाहिर तौर पर अब देखिए ये हिकमत की बात तो सुर कहा कितनी डिटेल में हम देख चुके हैं ना कि शर्त दिखती पर एक्चुअली अल्लाह तला उसके अंदर कोई ना कोई खैर हमारे लिए रखते हैं जिसने इसे इसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुना समेटा अब अल्लाह तला जितना कॉन्ट्रीब्यूट करे उनको उतना गुना है यानी कि जो एक मरतबा बोले उनको उतना गुना जो चार मरतबा बोले जो दस मरतबा बोले उनको उतना गुना तो हर कोई अब देखिए कि बात जैसा हम भी सुनते हैं तो क्या होता अक्सर क्या होता कि बस सुनते सुनते हम भी जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं हम जितना बोलेंगे जितने बार बोलेंगे अल्लाह तला हमारे ऊपर उतना गुना रख रहा एक ही बात अगर हम दस बार बोलेंगे तो हर दस बार का गुना हमको मिलेगा हालांकि बातें किच है पर बार कितने बोले आप दस बार बोले तो पूरे बार का गुना हमको मिलेगा तो कोई भी बात बोलने से सोचने समझने से अब हम क्या करते एक जो है कुछ भी बात बोलते नहीं मेरे ख्याल से गलत भी हो सकती हूँ भाई मैं मैं गलत भी हो सकती हूँ पर यह बात देखो ऐसा मैं सुनी ऐसा मैं आ, देख में बोल रहे थे तो वो बात जब आपको यकीन नहीं है तो हमारे को वो बात नहीं बोलने का अल्लाह हमारे को इसकी तोफी अतः फरमाए और इसमें एहतियात करने की तोफीक अतः फरमाए और जिस शख्स ने इसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर पर लिया था यानी कि अब्दुल्ला बिन उबई इसके लिए तो अजाब अजीम अल्लाह तला की तरफ से है जो ऐसे चीजों की शुरुआत करते हैं और जो इसको फैलाते हैं सब अजाब में मुबतला है जिस वक्त तुम लोगों ने उसे सुना था उसी वक्त क्यों मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के अप, आ, ने अपने आप से नेक गुमान किया और क्यों ना कह दिया कि ये तो सरी बहतान है यानी कि तुम आप अपने आप को उसमें रखकर देखना था कम्पेयर कर, कर देखना था जैसा हजरत अबू अयूब अंसारी रजत ने किया तो सबका काम ये था कि वो अपने आप को इसके अंदर कर देखना था कि क्या तुम ये कर सकते बीबी आयशा रहा के बारे में आज, आप के के अहले बहत बारे में ऐसा तस्वर भी कैसा करे तो अल्लाह तोरे की ये क्यों नहीं सोचे की सरी बहुतान है तो यानी की बाज वक़्त जो है दिल की सोच भी इम्पोर्टेंट होती है दिल की सोच भी जबान से नहीं बल्कि दिल में सोच लेना था कि तुम जो है ये बात गलत है तो आम। हाँ फिर उसके बाद जो है अल्लाह तला क्या बता रहे क्यों ना ये कह दिया कि ये सरी बहुतान है और दिल में सोचकर फिर जबान से भी बोलना है ठीक है अच्छा यहाँ पर देखिए कि दिल में सोचना है और फिर जबान से भी उसका इजहार करना है दिल में सोच लिये नहीं नहीं मेरे को मालूम है तुम सही है बोल के दिल में सोच लिये और इजहार नहीं करे तो ये भी गलत है दिल में भी सोचेंगे और उसका इजहार भी करेंगे वो लोग अपने इल्जाम के सबूत में चार गवाह क्यों नहीं लाए अब अल्लाह तला जो है सूर्य निशा में ऑलरेडी इसके बारे में बता दिए थे कि चार गवाह रहना है तो उसके रोशनी में अल्लाह तला बोल रहे हैं की फिर क्यों नहीं लेकर आए चार गवाह तुम्हारे को लाने का था तो अब के वो गवाह नहीं लाए हैं अल्लाह के नजदीक वही झूठे हैं तो अब अल्लाह ताला जो है अब यहाँ पर बरात नाजिल फरमा दिए और अल्लाह ताला तोरे कि वह, वही वही झूठे हैं और बीबी आयशा रजा रज पाक दामन है और फिर क्या है कि अब यहाँ पर इससे क्या सबक मिलता है कि कोई भी कही सुनी बातें हमको जो है फैलाते नहीं रहने का है बगैर सोचे समझे जो है बस सुन लेते इन सुन लिये उन्होंने सुन लिए अच्छा ऐसा बोलते बोलते वक्त तो जैसा कि सही में आप आंखों से देखे जब उनसे पूछा जाए कि अच्छा आंखों से अच्छा आपको मालूम है आप थे क्या वहां पर नहीं उन्होंने बोल रहे थे सो बोल रही हूँ मैं बात भाई उन्होंने बोल रहे सो आप ऐसा बोल रहे जैसा आप आंखों से देख लिए हमारा अंदाज देखिए हमारा बयान करने का अंदाज ऐसा रहता औरतों का खास तौर पे कि जैसा गोया कि हम आंखों से आंखों की जो है शाहिद है तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता ये सबक हमको मिल रहा है ये इस वाक से कि कही सुनी हुई बात बस मुंह से जो आया फैलाते जा रहे और बोलते जा रहे तो ये हमको नहीं करने का है और फिर अल्लाह तला बोल रहे की वही झूठे हैं अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह तला का फजल और रहम व करम ना हो था तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी पादाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता यानी कि अगर अल्लाह चाहते तो फौरी जो है इतनी बड़ी बहतान की सॉरी वजह से अल्लाह अजाब में मुब्तला कर देते जरा गौर तो करो उस वक्त तुम कैसी सख्त गलती कर रहे थे एक तो बीबी आयशा रजा तला पाक दामन औरत पर आ, बहतान दूसरा अहले बैद पर और तीसरा क्या है आप सल्लाम को इसके जरिए से तकलीफ दे रहे यानी कि आप सोचे कि कितना ज्यादा आप सल्लाम को मेंटली स्ट्रेस कितना ज्यादा था तो कितनी ज्यादा और आप अल्लाह देखिए याद रखिए कि कुरान के अंदर आप हमेशा ये चीज नोट करेंगे आगे भी इनशाला हम लोग देखेंगे कि जैसा आप को कोई तकलीफ की बात पहुँचती है तो अल्लाह तला उसको बर्दाश्त नहीं करते अल्लाह तला उसके बारे में फौरी इतनी सख्त पकड़ करते हैं इतनी सख्त तंबी करते हैं जैसा तो सूर्य हजरात में बोले कि अगर तुम जो है बाहर ठहर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम से पुकारने की जरूरत नहीं है वेट करो जब तक आप सल्लल्लाहु वसल्लम बाहर ना आए बिल्कुल ये अंदाज बिल्कुल डांटने का अंदाज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखी अल्लाह ताला पसंद नहीं करते जैसा जो है आप सल्लल्लाहु वसल्लम के पास जो है जैसा आता है ना कि जब आपका निकाह हुआ जैनब रजा जैनबरज से तो साहब इक्राम थोड़ी देर जो है जब वलीमे के लिए इन्वाइटेड थे तो थोड़ी देर ज्यादा बैठ गया अल्लाह फौरी हुक्म नाजिल फरमा दिए कि जैसा तुम जो है खा लो तो मुंतशिर हो जाओ बैठ कर तकलीफ मत दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तक फरमाए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ हमारी ऊंची हो जाए तो हमारे पूरे अमल बर्बाद हो जाते इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला प्रोटेक्टिव थे तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये देख रहे कि अच्छा मेरे नबी को इतने दिनों तक तकलीफ पहुंचाए अब देखिये कि यहाँ पर आजमाइश भी थी अल्लाह ताला चाहते तो फौरी से अल्लाह ताला हुक्म नाजिल फरमा देते थे अल्लाह ताला बरात नाजिल देते थे आ, आयते नाजिल फरमा देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बोल देते थे कि देखो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं सब है, सब झूठे बातें ठीक है फौरी बरात आ जाती आ सकती थी या आपको इन्फॉर्म कर देते थे पर अल्लाह तक को आजमाइश भी लेना मतलूब था और फिर क्या है साथ में बहुत अहकाम वाजे हो गए मुनाफी खुलकर जो है सामने आ गए कौन कैसी कैसी बातें कर रहे सारे चीजें तो बेशक अल्लाह की उसके अंदर हिकमत थी जो एक महीने तक ये मामला डिले हुआ तो अल्लाह तला, तला, तला खुद बता दिए इसके अंदर तुम्हारे लिए खैर था पर तुम जो है उसको नहीं समझते फिर उसके बाद क्या है अल्लाह ताला क्या बता रहे कि जरा गौर तो करो कि उस वक्त तुम कैसी सख्त गलती कर रहे थे जबकि तुम्हारे एक जबान से दूसरी जबान इस झूठ को लेते चली जा रही थी और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहते चले जा रहे थे जिसके मुताल तुम्हें कोई इल्म ना था अब देखे बगैर इल्म के जो है बातें किसी की भी तरफ मनसूब करना अल्लाह तला यहाँ पर बता रहे कि वो कितनी गलत काम कर रहे थे सख्त गलती कर रहे थे जब मुंह से मुंह मुंह से मुंह जो है वो बातें फैलती जा रही थी अब देखिये कि जैसा अगर कोई जो है हम देखे अपने पड़ोस में जरिए से आवाजें आ रहे, अब शुरू अब उसके बारे में कहानी के भाई ये लड़ाई हो रही ऐसा हो रही वैसा हो रही और पूरे महल्ले को सुनाए तक हमारे चैन नहीं आता किसी जो है फैमिली मेंबर के बारे में सुन ले तो सबको कॉल करके सुना सुना के मैसेजा करके कॉल कर करके सुना देखो उनके पास नहीं ऐसा हुआ ऐसा कते वैसा कते और फिर कते 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 ऐड करके हम जो दिल में आए वो बोल लेते जाते जो दिल में जो है मनसूख करते जाते और हमको चैन नहीं आता जब तक के हम जो है वो कहानी जो सुने हम किसी के बारे में वो दूसरों को नाम बता दे जब तक हमारे पेट में जो है दर्द होते रहता तो यहाँ पर देखिए कि जबान अब क्या है कि जैसा किसी के बारे में ये भी मालूम होता ना के उनकी जो है डिवोर्स हो गया तलाक हो गई अब हम उसके ऊपर कहानियां बनाना शुरू कर देते मेरे ख्याल से जो है उनका चक्कर था उनका ये था मसला उनका वो था मसला भाई हमको नहीं मालूम कि क्या वजह से जो है जो भी मामला हुआ हम वो चीजों में तहकी में ना तजस में जाए ना गलत बातें जबान से निकाले ना गुमान करें और ना ये कहें कि भाई ये हो सकता वो हो सकता ये वजह है तो अल्लाह तला बोले कि जबानों से तुम जो है जो बातें बता रहे थे तुम्हारी जबानी क्यों नहीं लड़खड़ाई जो बात तुम किसी के बारे में बोल रहे पाक दामन औरतों के बारे में कुछ भी बात कर देते किसी को बाहर हम देखे कोई लड़की को देखे तो हम बोलते हैं पता नहीं एक लड़के के साथ नजर आ रही थी पता नहीं वो लड़का कौन था उसका क्या लगता था क्या चक्कर है उसका नहीं मालूम ये बच्ची बहुत रातों में देर से आती और फिर जो है वो फला उनके पास जाते उनका बहुत आना जाना है हम बहरहाल इतनी तजस्सुस पड़ोस में अड़ोस में और रिश्तेदारों के मामले में उनके साथ क्या हुआ खोज खोज कर फोन ना कर 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 पूछते और खास तौर पर जैसे शादी हो जाती तो कैसी है बहू कैसी है बहु इतना पूछते जब तक कि वो सास अपने मुंह से कुछ ना कुछ बुरा ना करें जब तक पूछते जाते अच्छी है बोले तो हजम नहीं होते रहता जब तक है। और उसी तरीके से जब बच्ची की शादी होती तो मायके वाले जो है कैसे सास अच्छा ये करते वो करते वो इतने बातें पूछते पूछते जाते इतनी ज्यादा तो इस्लाम में देखिए कि तजस भी जायज नहीं है हमारे लिए और बातें जो है बगैर तहकीक के मुंह से जो है एक दूसरे को फैलाना भी जो है हमारे लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है तो अल्लाह तला यहाँ पर बता रहे कि तुम इसे एक मामूली बात समझ रहे थे हालांकि अल्लाह तला के नजदीक ये बहुत बड़ी बात थी अब यहाँ पर रुकू पे हम लोग खत्म करेंगे आयत नंबर ट्वेंटी तक क्यों ना उसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात जबान से निकालना जेब नहीं देता यानी कि अगर तुम्हारे को ऐसी बात मालूम भी हो जाए ऐसी कोई बात तुम सुन भी लो तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम ये कहो कि ऐसी बातें मुंह से निकालना जिसके बारे में श्योर नहीं है अपन तो हमारे को ऐसी बातें जेब नहीं देता और उसके अलावा भी अगर आप श्योर भी है तो क्यों हम जो है किसी की इज्जत के बारे में एक दूसरे को बोलते फिरे क्या किसी का ऐप बताना अच्छी बात है अगर किसी के बारे में मालूम भी हो जाए तो को उनका ऐप छुपाना चाहिए क्योंकि आप वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन का मोमिन भाई का ऐप छुपाता है तो अल्लाह ताला उसके ऐप दुनिया में भी छुपाते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसके ऐप छुपाते हैं तो हमको अगर किसी के बारे में कुछ बुरा मालूम भी हो जाए तो भी हमारा हमारा काम ये नहीं है कि हम उसको जो है लोगों तक फैलाते यानी कि हमारी जबान इतनी हल्की हो गई हुई है कि हम लोगों की बुराइयां जो है बयान करते फिरे और हमारे को अपनी फिक्र अपनी आखिरत की फिक्र अपनी अपने घर की फिक्र अपने खुद के अमाल की फिक्र नहीं है और हम दूसरों के बारे में फैलाते तो यहां पर अल्लाह तला बुर सुबह अल्लाह अल्लाह तला पाक है और ये एक अजीम बहतान है अल्लाह तुमको तुमको नसीहत करता है कि आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना अगर तुम मोमिन हो अल्लाह तुम्हें साफ साफ हिदायत देता है और वो अलीम और हकीम है जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में फहश फैलाएं वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा के मुस्क है यानी की मुनाफिक या फिर हर ऐसा लोग आज भी हर ऐसा इंसान जो ईमान वालों के दरमियान जो है फहश और बेहयाई और बुरे बातें फैलाने के लिए जिम्मेदार है तो वो दुनिया और आखिरत में सजा का मुस्क है अल्लाह तानता है और तुम नहीं जानते अल्लाह त अगर अल्लाह तला का फजल और इसका रहम व करम तुम पर ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह ताला बड़ा और रहीम है तो फिर तुमको सजा देती यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला एक तो बरात नाजिल फरमा रहे ये अल्लाह की रहमत है ठीक है दूसरा फिर अल्लाह तला ने फ्यूचर में पूरे प्रोटेक्शन के जो एहकाम नाजिल फरमा दिया औरत की हिफाजत की जो अल्लाह तला ने अहकाम ये भी तो अल्लाह तला की कितनी बड़ी रहमत है सोच के देखिए आप राउफ और रहीम है और राफ के बारे में क्या बताई थी मैं याद है आप लोगों को कि जब रहमत जोश मारती है रूज पर आती है तो राफत वाली जो है कैफियत पैदा होती है तो अल्लाह तला रऊफ और अल्लाह तला रहीम है तो एक तो अल्लाह तला बरात नाजिल फरमा दिए और दूसरा अल्लाह तला इतने हमारी प्रोटेक्शन के लिए मोमिन औरत की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह तला ने अहकाम नाजिल फरमाए तो ये चीज़ जो भी अभी तुम्हारे अंदर फैलाई गई थी बदतरीन नतज दिखा देती अगर अल्लाह ते ये बारात नहीं नाजिल फरमा देते तो अनख़रीब ये था कि जंग भी हो जा सकती थी क्योंकि आपस में इख्तलाफ कर, करना शुरू कर देते थे तुम लोग तो अल्लाह तला ने बारत नाजिल फरमाई और ये बारत आप बीबी आयशर रजत इसके ऊपर जो है अल्लाह तला अल्या की बड़ा शुक्र गुजार होती थी हमेशा कि अल्लाह तला ने मेरी बरात जो है यानी कि कुरान में नाजिल फरमाई है और ये आपकी फजीलत में भी है यानी कि ये किसी और के लिए नहीं है किसी और के लिए जो है सफवान बिन मअल ठीक है सफवान बिन मतल तो किसी और के लिए ये वाली जो है फजीलत नहीं है सिर्फ और सिर्फ बीबीआश रजत तैना को ये फजीलत मिली आप अजवाच मतहरात में से कि आपको जो है अल्लाह तला ने आपकी बारात कुरान के अंदर नाजिल फरमाई सफवान की स्पेलिंग आप एस ए एफ डब्ल्यू ए एन ठीक है सफवान बिन मुतल तो चलिए यहां पर हम आयत नंबर ट्वेंटी पर अपना सुर नूर खत्म करते हैं तो अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला हम सबको हम सबकी ईमान की, की हिफाजत फरमाए हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए अल्लाह तला हम, हमारी और हमारे तमाम घर वालों की हमारी तमाम जो है बहनों की बेटियों की अल्लाह तला इज्जतों की हिफाजत फरमाए और हमको तोफी ख़ता फरमाए कि हम किसी के मामले में तजस ना करें और किसी के मामले में बहता ना लगाएं बदगुमानियां ना करें और जो सुनी सुनाई हुई बात है वो अपनी जबानों से आगे ना फैलाएं अल्लाह तक हमारे अंदर ये बुराई बहुत मौजूद है हम बग़ैर तहकीक के लोगों के बारे में बदगुमानियां करते हैं गीबतें करते हैं बहता लगाते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं अल्लाह तला तू हमको इससे महफूज रख दे बेशक अल्लाह तला इसका बहुत बड़ा गुनाह है बहुत बड़े बहुत खतरनाक अजाबात है अल्लाह तला हम अपनी लाशूरी में अल्लाह तला नहीं चाहते हुए और बाद वक्त जानते हुए दानिशतगी से भी अल्लाह तला ये गुना कर देते हैं तू हमारे को अब तक जितने गुना हो गए अल्लाह तला तू मां फरमा दे और हमको आगे भी तोफी ख़तः फरमा के हम ऐसे गुनाहों में मुता ना हो और अल्लाह अल्ला जितनी हमारी औरतें हैं अल्लाह तला उनको पाक दामन रख और अगर हमारी पाक दामन औरतों पर कहीं पर भी अगर कोई बहुत लगा है अल्लाह तला उनकी पाकि को तू साबित कर दे बेशक तू ही इसके ऊपर खादिर है या इलामी हम अपनी आ, पाक दामनी के लिए तुझसे ही सवाल करते हैं और अल्लाह तला हम तेरे तमाम आयतों को मानते हैं तेरे तमाम अहकाम को मानते हैं तेरी तमाम शरीय और तेरे तमाम बताए हुए हदूद को अल्लाह तला मानते हैं हम तेरे किसी हदूद का इनकार नहीं कर करते, ना उसके अंदर शक करते हैं ना उसको अपने ऊपर मुसीबत समझते हैं, ना उसके बारे में हम अपने दिल में तंगी महसूस करते हैं अल्लाह ताला तेरी तमाम जो हिकमतें हैं और तेरी तमाम शरीयत के जो एहकाम हैं हमारे लिए बेस्ट है बेहतरीन है और हम उसको दिल के साथ जो है कबूल करते हैं आमन व वदना समय ना वाना या इलामी इसके जरिए ऐसी तू हमारे ऐसे राजी हो जा और हमारे गुनाहों को अल्लाह तुम माफ़ फरमा दे और अल्लाह तितने भी दुआ करने को कहे उनके जायज़ मकासद को अल्लाह तू पूरा फरमा दे ये मजलिस की बरकत से या इलामीन हमारे परेशानियों को हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे जो बच्चियां बिन बियाई बैठी हैं उनकी अल्लाह तला ने नेक सौ जोड़ों का इंतजाम कर दे और जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा दे जो बीमार है अल्लाह तौ उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे और खास तौर पर अल्लाह तला हमारे वो वाले बूढ़े जयफ वालेदे जो बीमारियों में जूझ रहे हैं और बीमारियों से जो है परेशानी और तकलीफों में गुजर रहे हैं और मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह उनको तो सेहत अता फरमा दे और उन तमाम औलाद को जो उनकी खिदमतों में लगे हुए हैं और अपनी कोशिश से वो उनकी जो है खिदमत कर रहे हैं उनकी गंदगी को भी साफ कर रहे हैं उनको गसुल भी दे रहे हैं अल्लाह ये खिदमत कोबूल फरमा दे और वो खिदमत में जो कमी हो जा रही है अल्लाह ताला उसको अल्लाह तला अपनी रहमतों से अल्लाह तला माफ फरमा दे और हमको सबर अता फरमा दे या इलाह आलमीन जो हमारी तमाम जो, जो मुसलमान जिस हाल में भी है जहाँ पर भी है अल्लाह तला की हिफाजत फरमा उनकी ईमान की उनके उनकी इज्जतों की उनके माल की और उनके औलाद की हिफाजत फरमा दे और अल्लाह तू हम मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा दे और हम पर ऐसे बादशाह को मुसलत ऐसे हुक्मरानों को मुसलत ना फरमा जो हम पर रहम ना खाए और तुझसे ना डरे यामी हम तुझे रहमतों का सवाल करते हैं अल्लाह तला सूर नूर की बरकत ऐसी हमारी जिंदगी में नूर अता फरमा दे और वो नूर की बरकत से हमारी जिंदगी में परेशानियों को दूर करके खुशियों को अल्लाह ताखिल फरमा दे आमिन सुन वक्र दावाना अनिलहमद रबीन सुबहाना रबी का रब يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الرحيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.